नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच भारत लगातार चीन को सबक सिखा रहा है, चाहे वो सीमा पर भारतीय जवानों के जरिए चीनी सेना को खदेड़ना हो या देश में रहकर चीनी सामानों का बहिष्कार और चीनी ऐप्स पर बैन लगाकर चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाना। वहीं एक बार फिर भारत ने चीन को बड़ा झटका दिया है। चीन को मात देते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक की संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन के सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने इसकी जानकारी दी। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि प्रतिष्ठित इकोसॉक निकाय में भारत ने सीट जीती। भारत को कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन यानी कि CSW का सदस्य चुना गया है। ये हमारे सभी प्रयासों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण समर्थन है। हम सदस्य देशों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। बता दें कि भारत, अफगानिस्तान और चीन ने कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन के लिए चुनाव लड़ा था। इसमें भारत और अफगानिस्तान ने 54 सदस्यों के साथ मतदान में जीत हासिल की, जबकि चीन को करारी हार का सामना करना पड़ा। चीन आधे वोट भी नहीं जुटा पाया। बता दें कि बीजिंग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन 1995 की इस साल 25वीं सालगिरह है। इस मौके पर चीन को भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वहीं इसके साथ ही अब भारत 4 साल के लिए इस आयोग का सदस्य रहेगा। साल 2021 से लेकर 2025 तक भारत यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।